विजय देवरकोंडा और सामंता प्रभु की आने वाला मूवी खुशी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और भाई मैंने देखा, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ट्रेलर में जो कपल दिखाया गया है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ट्रेलर देख के जो स्टोरी मुझे पता चला है तो चलो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो ट्रेलर के शुरू में ही ये दिखाया गया है कि विजय देवरकोंडा और वेनिला किशोर कश्मीर घूमने के लिए गया है। तो कश्मीर में जाके विजय देवरकोंडा सामंता प्रभु को देखता है और देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर पहले तो विजय देवरकोंडा का वन साइडेड लव था, पर बाद में मुलाकात करते देखते देखते दोनों के बीच में टू साइडेड लव भी हो जाता है। तो पहले विजय देवरकोंडा को ये चीज पता नहीं था कि भाई ये ब्राह्मण लड़की है। फिर उसके बाद सामंता प्रभु ने जब बताया कि मैं एक मुस्लिम लड़की नहीं हूँ, एक ब्राह्मण लड़की हूँ, तो मूवी का जो स्टोरी था पूरा चेंज हो गया। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, ये दोनों के फैमिली एक दूसरे को जानते थे, तो भाई दोनों के बीच में शादी तय हो गया पर बहुत कारणों के चलते इनका शादी नहीं हो पाया। और इसका शायद मेन रीजन है कि कुंडली मैच नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से घर वाले नहीं मान रहे थे। तो भाई उसके बाद सामंता प्रभु को घर से निकाल देते हैं। तो तब ये दोनों ठान लेते हैं कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं और प्यार से सारा जिंदगी बिताएंगे। तो ठीक ऐसे ही वो लोग शादी कर लेते हैं और एक घर में जाके रहने लगते हैं। और इसके बाद ही तो शुरू होता है मूवी का असली कॉमेडी और असली रोमांस। और आपने अगर एक चीज नोटिस किया कि ये मूवी में बहुत अच्छे अच्छे गाने रहने वाले हैं, तो आपको अगर लव स्टोरी मूवी के गाने अच्छा लगता है तो भाई ये मूवी आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। मतलब ये मूवी का जो मेन चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा वो होगा विजय देवरकोंडा और सामंता प्रभु के शादी के बाद। शादी के बाद जो कॉमेडी होगा, जो इमोशंस आप लोगों को दिखाया जाएगा, वो सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट होगा। और ये मूवी का मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये मूवी का शूटिंग लोकेशन। मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि भाई ये मूवी का शूटिंग कश्मीर में चल रहा है। तो जो मूवी का शूटिंग रियल लोकेशन पर होता है वो मूवी का देखने का जो नजरिया है वो बहुत ज्यादा आगे होता है, क्योंकि VFX और रियल लोकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को अगर एक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी देखना है तो आप ये मूवी को देखने के लिए जा सकते हो। बहुत ही अच्छा ये मूवी होने वाला है, पर ये मूवी रिलीज होने वाला है 1 सितंबर। यही भाई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि 7 सितंबर को शाहरुख खान का जवान मूवी रिलीज हो रहा है। तो उसके वजह से मुझे लगता है जो जो ये मूवी को पसंद भी करता है वो मूवी को नहीं देखने के लिए जाएगा, क्योंकि वो शाहरुख खान का जवान मूवी देखने के लिए जाएगा। वैसे आप ये दोनों मूवी में से कौन सा मूवी देखने जाओगे, शाहरुख खान का जवान मूवी या विजय देवरकोंडा सामंता प्रभु की खुशी मूवी, जरूर से एक बार कमेंट करके बताना। और आपको अगर ऐसा वीडियो रेगुलर देखना है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग मेरा वीडियो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कर लेना यार, फ्री में तो है। और मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात किया है कि सनी देओल का जो मूवी है गदर 2 उसका कलेक्शन कितना हुआ है, तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक अगर नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या मेरे चैनल पे आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो चलो ये वीडियो के लिए इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना।